इवन और ऑड फंक्शन के पार्ट टू बता रहा हूँ मैं, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। अब अगर कोई ग्राफ बनता है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, इस पे वाई एक्सिस पे सिमेट्री है, तो याद रखें ये हमारे क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। इसकी पहचान होगी वन से टू या टू से वन जाएगा। इसके बाद अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, या ओरिजिन पे सिमेट्री है, वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। ये फर्स्ट से किस में जा रहा होगा, थर्ड। याद रहे सेकंड और फोर्थ फंक्शन भी होते हैं हमारे, उनके में जाता है। और मेरे भाई कुछ लोग बोले होंगे मैंने अभी एक्स एक्सिस के बारे में बिल्कुल पढ़ने जा रहा हूँ, जब x एक्सिस पे सिमेट्री हो यानी 1 से 4 में जा रहा होगा नाइदर इवन नॉर, नाइदर इवन नॉर। मेरे भाई एक और बड़ी खास बात जो सुन लीजिएगा कि इसका अपोजिट केस भी हो सकता है भाई, अगर ये सेकंड से थर्ड में जा रहा होगा तब भी क्या होगा, नाइदर इवन नॉर होगा। इसी तरह से कोई अगर यहाँ थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से थर्ड में जा रहा होगा सिमेट्री किस पे होगा, वाई एक्सिस पे यानी इवन। इसी तरह कोई सेकेंड से फोर्थ में जा रहा होगा तब भी ओरिजिन की सिमेट्री होगा, यानी क्या कहलाएगा भाई, हमारा ऑड फंक्शन। एक बात और कि मैंने अभी तक टेन और क्वाड की बात नहीं, तो मेरे भाई टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या होता है हमारा, ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन। ऑड या इवन को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करें मैंने क्या कहा था, ऑड फंक्शन। तो क्वाड में भी यही होगा, तो क्वाड और टेन दोनों एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहे देखें इवन को ऑड से डिवाइड करें या ऑड को इवन से डिवाइड करें, क्या आता है, ऑड आता है। तो टेन और क्वाड भी कौन सा फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन। एक दो सवाल तो देखें एनएडी के टेस्ट में ज़रूर देते हैं, नस में फांस में तो जब आता है इवन और ऑड फंक्शन। दिस इज कंप्लीट डिटेल अबाउट ऑड एंड इवन फंक्शन।